सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटेटिव परीक्षा। इस वीडियो में हम लोग शिफ्ट 4 का एनालिसिस कवर करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्री का, जो 3 अक्टूबर यानी कि कल कंडक्ट हुई है। 3 शिफ्ट का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, या अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो यहाँ पे मैंने उसकी लिंक दी हुई है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं एनालिसिस। देखिए, ये जो 3 सेक्शंस आए हुए थे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश, ओके, इनके गुड अटेम्प्ट देखिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी गुड अटेम्प्ट 24-27, रीजनिंग एबिलिटी के गुड अटेम्प्ट 25-28 और इंग्लिश लैंग्वेज के गुड अटेम्प्ट 22-25, ओके। तो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट थे 70+, फाइन, 70+ थे आपके ओवरऑल गुड अटेम्प्ट। यहां पर देखिए टॉपिक नेम पजल्स एंड सिटी अरेंजमेंट से 23 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब यहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 पजल आई हुई थी 5 मार्क्स ईच वाली, राइट, और शायद हो सकती है एक पजल जो 3 मार्क्स की, मतलब ये 20 और ये 3, ये हो गए आपके 23 मार्क्स। सिलॉक्स के 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, मिसलेनियस से 3 क्वेश्चंस आए हुए थे। देखिए पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज 23, ओके, 23 क्वेश्चन। लेवल इसका मॉडरेट था, स्क्वायर टेबल एक था, पीपल एट द कॉर्नर फेसिंग सेंटर एंड एट द एज फेसिंग आउटसाइड, ओके, मतलब ये स्क्वायर अरेंजमेंट, पीपल एट कॉर्नर, मतलब ये जो कॉर्नर वाले पीपल थे ये थे इनसाइड फेसिंग, राइट, सेंटर फेस यानी कि इनसाइड फेसिंग, और ये जो एज वाले पीपल थे यहां पर बैठे हुए ये आउटसाइड फेसिंग, राइट, ये थे आउटसाइड फेसिंग। नेक्स्ट थी आपकी बॉक्स पजल जिसमें 9 बॉक्स दिए हुए थे, राइट। फ्लोर बेस्ड पजल्स हियर 6 फ्लोर्स वेयर गिवन एंड लिनियर अरेंजमेंट 6 पीपल फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर, राइट, 6 पीपल्स इस टाइप से नॉर्थ फेसिंग। Three questions of six jars were given with different quantity of water. Okay, ये 3 question जो हमने बोले थे यहाँ पर, ये जो 3 question, okay, यही है वो। Three questions of six jars were given with different quantity of water. Okay, syllogisms. The number of questions asked 4, level of the questions moderate, only and a few type were asked. तो देखिए ये बहुत ही famous type आजकल बन गए हैं, सारे questions इसी पे आ रहा है अभी, right? Coding decoding, the number of question asked is 5, level of the questions easy to moderate and Chinese type coding decoding. Miscellaneous देखिए, the number of questions asked were 3, level of the questions easy to moderate, word forward and backward, okay, ये production word दिया हुआ था, इसमें pairs आपको बनाने थे forward और backwards के, इसका एक video मैंने upload किया हुआ है हमारे channel पर, okay, चलिए, inexorable, ये भी था, यहाँ पे meaningful words, okay, base question आया हुआ था और number based questions एक भी यहाँ पर आया हुआ था। देखिए क्वांटिटिव, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का देख लेते हैं, शिफ्ट 4 का मॉडरेट लेवल का था। न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अप्रोक्सीमेशन 6 क्वेश्चंस आए हुए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, डेटा इंटरप्रिटेशंस के 15 क्वेश्चंस आए हुए थे और मिसलेनियस अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। टोटल 35 मार्क्स का ये सेक्शन था। चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क 15, 15 क्वेश्चंस डीआई से आए थे, लेवल इनका मॉडरेट था, टाइप कौन से थे, लाइन डीआई, टेबुलर डीआई एंड 1 कैसलेट, ओके, 3, ये 5 मार्क का लाइन डीआई हुआ था, 5 मार्क का टेबुलर और 5 मार्क का ये कैसलेट डीआई। अप्रोक्सीमेशन नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क 5, इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था और ये बोर्ड मास रूल पे ही अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बेस होते हैं, फाइन। चलो रॉन्ग नंबर सीरीज की ओर बढ़ते हैं हमारे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर आए हुए थे 4, लेवल था इजी टू मॉडरेट, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस, देखिए यहां पर 10 क्वेश्चंस आए हुए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अभी फिलहाल 2 शिफ्ट में आ रहे हैं, राइट, अपने जो नंबर सीरीज थी उसमें 2 टाइप्स होते हैं नंबर सीरीज में, राइट, एक होता है मिसिंग और दूसरा है रॉन्ग, तो यहां पर रॉन्ग आया हुआ था इस शिफ्ट में। मिसलेनियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 10, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस था मॉडरेट और क्वेश्चन कौन से थे, मेंस्ट्रुएशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोटेनिस्ट, मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली, राइट। चलो इंग्लिश के बारे में देख लेते हम लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी ये पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, पैराजंबल ये पूछा गया था आपका 5 मार्क्स के लिए,
वर्ड एक्सचेंज, राइट, वर्ड एक्सचेंज ये गया था आपका 5 मार्क के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स 4 मार्क्स, एरर स्पॉटिंग 4 मार्क्स और फेज रिप्लेसमेंट 4 मार्क्स। फाइन, ये इस टाइप से इंग्लिश का आपका सेक्शन आया हुआ था, राइट। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट 4 है, गलती से 3 हो गया है। चलो आरसी से देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 आए हुए थे, इजी टू मॉडरेट। ऑटोमेशन ऑफ एआई, ओके, ऑटोमेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वुड डिस्टर्ब द इकोनॉमी, ये उसका जो है मतलब रीडिंग कंप्रेचर का टॉपिक था। 3 वोकैब्स के क्वेश्चन आए हुए थे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के, वैल्यू रिफाइंड एंड टेस्ट, ओके, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा गया था। पैरा जंबल देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 5, लेवल ऑफ द क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट, 5 क्वेश्चंस वेयर गिवन। एरर स्पॉटिंग से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका लेवल इजी टू मॉडरेट था। वर्ड एक्शन देखिए, 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, इसका लेवल था इजी और 5 वर्ड्स आर वेयर गिवन। फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, इसका लेवल था इजी, doable fillers where as मतलब doable था, ये कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। phase replacement number of questions 5, level इसका easy to moderate था, ठीक है। तो ये analysis था इस shift number 4 का जो कल conduct हुआ 3 अक्टूबर 2020 को। तो इस type का ये था, जिनकी exam अगले week में है तो उनके लिए best of luck एंड अच्छा पेपर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा है, राइट। थोड़ा कंसंट्रेशन बना के अगर आप सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कि प्री क्वालिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम जाएगा, अगर आपने साल भर में अच्छी पढ़ाई की है तो, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कॉन्फिडेंट।